हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज हम लोग करने वाले हैं काइनामेटिक्स का रिवीजन तो काइनामेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं चाहे से वो रेक्लिनियर मोशन हो या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो या फिर आप लोगों का रिलेटिव मोशन हो तीनों का एक ही में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे तो ध्यान से सुनने का हर एक चीज आपको समझ में आएगी हर एक फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा डिटेल में रिविजन करेंगे ठीक है अब देखिए सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं जो कि फॉर्मूला आता है यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन में वो आता है कि एवरेज वेलोसिटी तो भैया जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वी एवरेज इज

डिवाइडेड बाई डेल्टा टी तो ये हमारे को कोई भी एक इंस्टेंट है जिसके ऊपर वैलोसिटी चाहिए तो वहाँ पर निकाल सकते हैं फिर इसके बाद में इसी तरीके से अगर एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो जिस तरीके से वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं भैया वेलोसिटी के लिए याद रखना कि जो वेलोसिटी होती है उसके लिए हम लोग काम में लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ठीक है डिस्प्लेसमेंट काम में लेते हैं और अगर हमें एक्सेलेशन निकालना हो तो एक्सेलेशन के लिए हमेशा काम में लेंगे वेलोसिटी को ठीक है ये बातें हैं जो कि इसमें इंटर रिलेटेड है ये अलग आपको याद होनी चाहिए फिर इसके बाद में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए सिंपल से आपको वही करना है डी वी बाई डी टी मतलब एक तरीके से आप वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करके आप इसे सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो कैसा रहेगा मतलब कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो कैसा रहता है तो देखिए अगर एक ऐक्से कोऑर्डिनेटिक पॉलिनोमियल है जो कि टी की टर्म्स में तो यहाँ पर जो x और t का ग्राफ रहेगा वो इस तरीके से रहेगा जैसे कि आपका मान लीजिए कि 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 क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में ये ये बोल देते हैं कि ये plus BX plus C है मतलब कि एक सीधी सी सादी इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है पैराबोला तो ये भी क्या होगा ये भी पैराबोला ही होगा इसमें जो हमारी इक्वेशन है इसमें अगर ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो मतलब क्या रहेगा ये पॉजिटिव है तो हमेशा अपवर्ड्स की तरफ ये ओपन रहेगा तो इस तरीके से होगा फिर उसके बाद में अगर ये नेगेटिव है तो ये इस तरीके से होगा तो ये होता है इसका ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ रहेगा फिर इसके बाद में अगर बात करें एक्सटी ग्राफ की जो कि यहां पर हमें ये तो एक्सटी ग्राफ है फिर इसके बाद में अगर वॉल्यूम की बात मतलब कि हाँ पर ये मैंने गलती से वॉल्यूम बोल दिया ये वेलोसिटी है अब ये वैल्यूसिटी का का ग्राफ किस तरीके से रहेगा तो आपको अगर स्लोप निकालने तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना होता है सिंपल सा अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करनी है तो आपको करना है कि यहाँ पर v बाय टी कर देना वहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगी अभी हो गया मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय में यहाँ पर आ जाएगा सेकंड तो भैया सेकंड और सेकंड होकर के क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यहाँ पर ई हो जाता है इसका मतलब एक तरीके से स्लोप की वैल्यू ये होती है और अगर ए पॉजिटिव है क्योंकि लीनियर है तो हमेशा याद रखना कि जो लीनियर का ग्राफ होता है जो लीनियर होता है उसका जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा ये मैं लिख देता हूँ कि स्ट्रेट ये फिर से ये स्ट्रेट लाइन होता है ठीक है और अगर वहीं पर ही बात करें क्वाड्रेटिक जो होता है क्वाड्रेटिक अगर कोई भी मान लो कि क्वाड्रेटिक है तो उसमें जो रहेगा वो रहेगा यहां पर पैराबोला ठीक है तो ये बात है आपको याद रखने की जब कभी भी स्ट्रेट है तो क्या रहेगा किस तरीके का ग्राफ रहेगा ये चीज याद रखने वाली है फिर इसके बाद में जो इसका स्लोप है वो रहता है ए यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये यह यू क्या है यू है इनिशियल वेलोसिटी इसको मार्क कर लीजिएगा कि ये जो है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि इसमें बहुत बार गलती होती है एग्जामिनर आप लोगों को इसी में ही कंफ्यूज

को पुट कर देना है और अगर dy वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट के ऊपर मतलब तो हाँ तो तो जो ज्यादा दिखता है वो गरीब होता है और जो गरीब दिखता है वो अमीर होता है आप याद रखना कि जो ज्यादा दिखावा करता है वो हमेशा गरीब होता है और जो दिखावा नहीं करता वो अमीर होता है तो इसी तरीके से दिखाता है कि यार मैं बहुत ही बड़ा हूँ लेकिन क्या होता है गरीब होता है तो यहाँ पर ही हो गया ये हो गया मैनिमा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है ये सारी सारी इक्वेशन याद होनी चाहिए। सबसे पहली जो इक्वेशन रहेगी हमारे पास में वो रहने वाली है यहाँ पर v इक्वल टू u प्लस a ये सभी को याद है। s इक्वल टू u t प्लस हाफ a स्क्वायर ये तीन इक्वेशन है ना इन तीन इक्वेशन के दम के ऊपर कुछ कुछ बच्चों ने ले लिया था जेई नाइन्थ क्लास में और टेंथ में यही इक्वेशन पढ़ी थी और कुछ बच्चों ने इन्हीं को देख करके ले लिया था कि जेई मतलब ये तीन इक्वेशन हो गई तो फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा आसान होगी लेकिन इलेवेंथ में आते ही पूरा पूरा गेम ही चेंज हो गया कि ये क्या हो गया ये तो हमें आया ही नहीं इसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है ये तो बस मैंने मजाक के लिए कहा था लेकिन ये जो फार्मूलाज होते हैं जेई मेन्स के अंदर हमेशा बात याद रखना कि जेई मेन्स में फार्मूलाज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जेई मेन्स में फॉर्मूला

स वन करके हम इसे सॉल्व कर देंगे ठीक है यह बात आ रही है समझ में फिर इसके बाद यहां पर आता है कि अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उनके लिए जो यू होता है वो होता है जीरो मतलब कि उनको कोई भी वो नहीं दिया जाता मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी जीरो और अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे जब ये नीचे गिर रहा है तो यहां पर वी जो रहेगी उसकी फाइनल वेलोसिटी वो रहेगी माइनस ऑफ जी इन टी क्योंकि यहां पर जो इक्वेशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ एटी तो यहां पर एक्सेलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर माइनस जी क्योंकि हम ऊपर की तरफ हमेशा बात याद रखना कि ऊपर की तरफ हम नीचे से ऊपर मतलब कि ये, क्या ये है? Ground. और ग्राउंड से हम अगर किसी भी हाइट के ऊपर जा रहे हैं तो इस तरफ हम हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे और इधर की तरफ हम लेंगे नेगेटिव जिससे कि हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और उससे रिगार्डिंग सारे सारे लेना मैं इसको क्लियर कर देता हूं इसका स्क्रीन एक बार जरूर से ले लीजिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर इसके बाद में आप लोगों के पास में नेक्स्ट जो आने वाला है वो आने वाला है भैया प्रोजेक्टाइल ठीक है प्रोजेक्टाइल करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये सब्सक्राइब करने का किसका वेट कर दो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दबाती करो अगर वो लाल रहेगा तो मतलब क्या है भैया डेंजर है वहाँ पर अब जब डेंजर होता है ना तो खतरनाक बात होती है तो डेंजर नहीं पालना आप लोगों को और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है भैया प्रोजेक्टाइल मोशन अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर की फॉर्मूलाज हैं फॉर्मूलाज हमें याद रखने होंगे सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है भैया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा यहां पर जो थीटा है वो याद रख लेना कि वो होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और उसके बाद में यहां पर ये यह होता है टू यू साइन थीटा बाई जी जी होता है यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर के चलनी है जब तक ये ना कहा जाए कि जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जब तक मत लेना क्योंकि ये गलती एग्जामिनर हंड्रेड करवाएगा ही करवाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो एग्जामिनर क्या बोल रहा है फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि होरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो होरिजोंटल रेंज के लिए जो रहता है वो रहता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी तो ये वाला आपको याद रखना है कि साइन टू थीटा जी रहेगा और इसके लिए याद रखिएगा मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं कि थीटा इज इक्वल टू यहां पर अगर फोर्टी फाइव डिग्री होता है तो यहां पर क्या होती है मैक्सिमम रेंज होती है क्या होती है मैक्सिमम रेंज होती है जब कभी भी थीटा कितने के ऊपर रहेगा और रहेगा यहाँ पर 45 के ऊपर क्योंकि यहाँ पर साइन टू थीटा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री मैक्सिमम होता है इसीलिए मैक्सिमम रेंज होती है और जो आर मैक्स होती है मतलब मैक्सिमम जो रेंज होती है वो होती है यू स्क्वायर बाय जी ठीक है ये बात याद रखिएगा जो मैक्सिमम रेंज होती है वो होती है यू स्क्वायर बाय जी ठीक है अब फिर उसके बाद में हम चलते हैं मैक्सिमम हाइट के ऊपर तो वो होता है यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी ठीक है ये मैं सभी के सभी मार्क करते हुए चल रहा हूँ ये तीनों के तीनों फॉर्मूला है ना इस में इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों से इसका होना चाहिए मेरी नाक मत कटवाना कि हमसे हुआ नहीं क्वेश्चन भूल गए नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए फिर इसके बाद में जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में जो रहता है यहाँ पर आपको याद रखना है कि वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी इंटू एक्स स्क्वायर टू यू कॉस थीटा और हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स टेन थीटा वन माइनस ऑफ एक्स बाय आर तो भैया यहां पर जो एक्स है वो यहाँ पर एक एक्स को वेरिएबल है लेकिन आर जो है वो है रेंज रेंज को क्या लिख सकते हैं हम वो लिख सकते हैं भैया यू हमारे ने प्लेन है उसके ऊपर फेंकते मा, है, हैं कि के के, है, तो केस में क्या होगा तो यहाँ पर जो बीटा है याद रखना कि जो बीटा है इंक्लाइंट तो वाला ठीक है इसको इनक्लाइंट लिख देते हैं और ये जो एल्फा है ये क्या है ये है प्रोजेक्शन वाला तो मतलब इसको लिख देते पीओे ठीक है ये

हम क्या जा रहे हैं अप ठीक है ये मैंने उल्टा बोल दिया था कि अप द इंक्लाइन फेंकेंगे और ये डाउन द इक्लाइन है तो जब हम डाउन द इंक्लाइन आएंगे तो वहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा फिर इसी तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट है टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर दोनों के इसके अंदर सेम रहेगा लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है फॉर मैक्सिमम प्रोजेक्शन वो रहेगा पाइव बाय फोर माइनस ऑफ बीटा बाई टू एक में और दूसरे वाले के अंदर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर एड तो ये बात याद रखना कि ऐड किस में करना है सब्ट्रैक्ट किस में करना है कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए फिर मैक्सिमम रेंज क्या होती है इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी आपको बोल दिया जाएगा कि यार ये ये एंगल है और आप लोगों को सिंपल सा बताओ कि इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी तो ये वाला डायरेक्ट आ सकता है तो इसका फॉर्मूला याद रखना है फिर इसके बाद में आता है भैया रिलेटिव मोशन तो रिलेटिव मोशन का आपको शायद ही किसी ने एग्जाम्पल दिया होगा लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या है भैया एक बस है ठीक है मैं इसको बोल देता हूँ ये बी वन बस है और ये आ रही है इधर ठीक है और ये हम बोल देते हैं कि यहाँ पर क्या है ये है बी टू बस और ये बस किधर जा रही है ये जा रही है इधर और ये मान लो कि कितने की स्पीड से आ रही है ये आ रही है दस की स्पीड से आ रही है और ये यहाँ पर बीस की स्पीड से जा रही है और उसी तरीके से एक और जो बस है भैया वो है यहाँ पर बी फोर और यहाँ पर बी फोर जा रही है इधर कितने से ट्वेंटी से जा रही है और इसी के पीछे ही बी फाइव बस आ रही है तो ये यहाँ पर कितने की आ रही है भैया ये आ रही है मान लो कि सौ से आ रही है ठीक है ये बहुत ही रफ्तार में आ रही है तो अब देखो अब जब B1 और B2 क्रॉस करेंगे या फिर यही एग्जाम्पल को सही करने के लिए इसको हटा देता हूं मैं क्योंकि एग्जाम्पल से इसके अंदर अगर वैल्यू चेंज करूँगा तो समझ में कम आएगा यहां पर लिख दे दें दस अब जब आपने देखा होगा ये वाला केस वो है कि जब हम एक बस में बैठे होते हैं और हमारे सामने से दूसरी बस निकलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकलती है एकदम से झुप करके निकल जाती है तो वैसे झुप क्यों होता है इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर जो आप बैठे हो और वो जो बस है तो आप दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो एड हो जाती है मतलब कि किस स्पीड से क्रॉस करती है वो करती है

ये वैक्टर की फॉर्म में आएंगे और फिर इसके बाद में क्रॉसिंग रिवर वाला जो है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर कैनमेटिक्स में कहीं से क्वेश्चन आएगा तो वो आने वाला ही या तो शॉर्टेस्ट टाइम वाला क्वेश्चन आएगा या फिर आप लोगों के पास में आएगा प्रोजेक्टाइल से ठीक है या तो प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन आएगा या फिर यहां से क्वेश्चन आएगा या फिर आप लोगों के रेन वाली प्रॉब्लम आ सकती है इनमें से कुछ भी आ सकता है तो इन सभी के लिए रेडी रहिएगा अब इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है सबसे पहले तो जो हमारी रिवर है वो इधर फ्लो कर रही है जिसकी की वेलोसिटी है वी आर और जो हमारा आदमी है उसकी वेलोसिटी है वी एम और उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू तो जो रिवर है वो है वी एम आर तो ये तीन चीजें आपको लिख लेनी है तो यहां पर वेलोसिटी अलॉन्ग रिवर हो जाएगी वी आ एक्स इज इक्वल टू वी आर और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रिवर हो

वेक्टर में कौन सी है और अगर मान लो कि ड्रिफ्ट को क्रॉस करने के लिए तो वहां पर एक्स वाली काम में आएगी तो ये याद रखना कि कौन से कॉम्पोनेट हमें काम में लेना है फिर इसके बाद में इसी तरीके से आप लोगों को रेन प्रॉब्लम्स के लिए बस सिंपल सा इसमें चेंज होता है कि पर v -V करके आप इसे सॉल्व करते हैं और यही सब था आज के वीडियो में मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना